अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है और आज तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशन चेंज होती रही है और किस बेस पे ये जनरेशन चेंज हुई है, इनमें क्या नई चीजें इसमें ऐड होती रही हैं जनरेशन पर। तो इसके लिए मैं अपनी स्लाइड ओपन करता हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिकली आज तक सिक्स टाइप से जनरेशन की, देयर आर सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सिक्स जनरेशन है आज तक। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे वो 1945 से लेकर 1950 तक रहे, उसमें सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गए और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो 1950 से लेकर 1959 तक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे काम होता रहा। फिर उसके बाद ये जनरेशन चेंज हो गई और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1960 से लेकर 1969 तक इन पे काम होता रहा। फिर जो फोर्थ जनरेशन थी वो 1970 से लेकर 1980 तक उस पे काम होता रहा। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है ये A1 कंप्यूटर होते थे, इनकी जनरेशन से 1980 से लेकर आज तक यही कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ चीजें नई आती रही हैं और आ रही हैं। सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये आजकल के जो दौर में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपके टैबलेट पीसी हो गए, इसके अलावा मोबाइल हो गए, तो ये जितनी चीजें इनको एंड्रॉयड जितना सिस्टम है, ये आजकल की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1945 से लेकर 1950 तक जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहे हैं, तो ये सब प्रीवियस लेसन में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। उस टाइम पर जो तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था और इसके लिए बहुत बड़े बड़े हाल चाहिए होते थे इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो इस दौर के जो कंप्यूटर थे इनके लिए बहुत बड़े बड़े हाल चाहिए होते थे और इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए हजारों लोग दरकार थे जो इस कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। इस किस्म के जो कंप्यूटर होते थे, इन कंप्यूटर को एनए कंप्यूटर कहा जाता था। ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर होते थे और इन कंप्यूटर की जो मार्क 1 एंड मार्क 2 ये कंप्यूटर होते थे। और ये जो कंप्यूटर होते थे, जो एनए कंप्यूटर होते थे, ये बहुत, इनकी स्पीड बहुत स्लो थी और ये कंप्यूटर बहुत महंगे थे। ये एक्सपेंसिव, एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम आई थी और अगर इसमें वैक्यूम ट्यूब या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में कोई मसला हो जाता था तो वो रिप्लेस की जाती थी, उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बहुत कम थे। उसके अलावा ये जो कंप्यूटर थे ये इस वजह से भी एक्सपेंसिव थे क्योंकि इनके लिए बहुत बड़े बड़े हाल चाहिए होते थे। वैक्यूम ट्यूब जो होती थी, वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती थी। उस हीट अप को कंट्रोल करने के लिए कि वैक्यूम ट्यूब ज्यादा हीट अप ना हो, अगर हीट अप होती थी तो जल जाती थी, तो उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पे बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाए जाते थे। और इसके अलावा जो वहां पे काम करने वाले थे, हजारों लोग इस कंप्यूटर पे काम करते थे और इसलिए एक्सपेंसिव थे ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा। इन कंप्यूटर में डेटा स्लो, डेटा बहुत स्लो जो है ट्रांसफर होता था। इसके अलावा ये कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए काम करते थे। इन कंप्यूटर्स में जो है तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, डेटा को स्टोर बहुत कम करते थे। प्रिंट इन कंप्यूटर के थ्रू नहीं निकाल सकते थे आप, और प्रिंट जो कंप्यूटर निकलते थे वो इससे जो फर्स्ट पहले जो जनरेशन थी, जो कि अब मैकेनिकल कंप्यूटर थे, जो कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, अगर आप वो जब देखें लेसन नंबर 1 देखें तो आपको कंप्लीट डिटेल्स उसमें मैंने समझाया है। तो वो जो मैकेनिकल कंप्यूटर थे, तो उनमें डेटा जो होता था उसको प्रिंट आप निकाल सकते थे क्योंकि वो टोटली मैकेनिकल के ऊपर और मैनुअल काम आप उन पे करते थे। तो ये जो कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर में एक तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, प्रिंट इन कंप्यूटर से नहीं निकलता था, और ये जो कंप्यूटर थे ये बहुत ज्यादा स्लो होते थे, बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते थे। तो ये वैक्यूम ट्यूब आपको नजर आ रही है, वैक्यूम ट्यूब के बेसिकली तीन टर्मिनल होते थे। आजकल का प्रोसेसर देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें
उसकी कितनी पेंस है, वैक्यूम ट्यूब की 3 पेंस होती थी, और ये कंप्यूटर होते थे उस टाइम के, और ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, आपको नजर आ रहे होंगे, इससे भी बड़े कंप्यूटर होते थे उस टाइम, ये आप देख सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते थे जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिनको कहा जाता था। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है ये प्रोसेसर के तौर पे काम करते थे। आजकल प्रोसेसर आ गया, इसी तरह जितनी भी जनरेशन में चेंजिंग आई है वो प्रोसेसर पे चेंजिंग आती रही है, किसी में वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर था, आईसी थे, फिर उसके बाद जो है तो आपके पास आईसी को बढ़ा के इसके पास लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट जो डिजाइन हुई जिनको आप प्रोसेसर कहते हैं, तो प्रोसेसर वाला जो कंप्यूटर था वो आज तक यूज हो रहा है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो है जी 1950 से लेकर 1959 तक की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहे, और ये जो कंप्यूटर थे इन कंप्यूटर में जो तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स की जगह यूज होने लगा। अब वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़ी थी, और वैक्यूम ट्यूब जो होती थी जहां पे 10 वैक्यूम ट्यूब काम करती वहां पे एक ट्रांजिस्टर काम कर सकता था, और इसकी वजह से इन कंप्यूटर का साइज भी थोड़ा कम हो गया, और ये कंप्यूटर जो है तो कमर्शियल एरिया में बहुत ज्यादा यूज होने लग गया उस टाइम में, 1950 से 1950 तक सब बहुत ज्यादा यूज होने लग गया ये कंप्यूटर, और इनका थोड़ा साइज भी कम था, और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुताबिक अगर उनसे कंपेयर इनको किया जाए तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उनसे फास्ट थे, स्पीड इनकी फास्ट थी, डेटे को ट्रेवल करना, ये डेटे को जल्दी ट्रेवल करते थे, फास्ट ट्रेवल करते थे, इसके अलावा इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी उन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की निस्बत, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर यूज हो गया था, और ट्रांजिस्टर जो था तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, और ट्रांजिस्टर का साइज बहुत छोटा था वैक्यूम ट्यूब की निस्बत, और ऑपरेशन बहुत तेज, मीन ये बहुत तेज से काम करते थे और एक्सपेंसिव भी कम थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर की जो कीमत होती थी वो थोड़ी कम होती थी, एक्सपेंसिव इतने ज्यादा नहीं होते थे। वैक्यूम ट्यूब इसलिए एक्सपेंसिव होती थी क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर भी वहां पे लगाए जाते थे, साइज बड़ा होने की वजह से बड़े बड़े हॉल रखे जाते थे, जबकि ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर से आपके एक तो कंप्यूटर जो है तो इनका साइज स्मॉल हो गया, और उसके अलावा जो ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब की निस्बत सस्ता था, और वैक्यूम ट्यूब की निस्बत ये कॉस्टली था और वैक्यूम ट्यूब से महंगी थी थोड़ी, इस वजह से जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनका साइज भी कम हो गया और ये लेस एक्सपेंसिव हो गए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के निस्बत। और ये जो कंप्यूटर थे ये कंप्यूटर हाई स्पीड पे काम करते थे, इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, तो ये जो कंप्यूटर फॉर एग्जांपल एडविक कंप्यूटर जो हो गया आईबीएम, और ये मॉडल थे कंप्यूटर के 1404 उस टाइम के ये मॉडल थे कंप्यूटर के जो मशहूर मॉडल थे। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ सेकंड जनरेशन सॉरी सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है, तो साइज इसका छोटा है वैक्यूम ट्यूब की नस्बत, और इसमें जो अगर वैक्यूम 5 वैक्यूम ट्यूब को मिला के आप तकरीबन एक ट्रांजिस्टर बनता है, अगर आप 5 वैक्यूम ट्यूब लगाते हो एक सिस्टम में तो उसका साइज देखें बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक ट्रांजिस्टर उसकी जगह काम कर सकता था। अब आप देखिए इसका साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया कंप्यूटर का, थोड़ा साइज कम हो गया और ये इजी हो गई थी ऑपरेट करने। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1960 से लेकर 1969 तक यूज हुए, ये जो कंप्यूटर थे इन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट मीन आईसी यूज होने लगे थे कंप्यूटर में, और ये आईसी थे ये ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी इस कंप्यूटर में आ गए, और ये 1960 से जो है तो तकरीबन 1969 तक उस टाइम सॉलिड स्टेट इंट्रोड्यूस हुआ था, मीन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज हुई थी जिसका नाम था सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, और आईसी मीन आईसी जो होते हैं ऐसी स्मॉल चिप्स होती हैं जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं स्मॉल चिप्स, इन एक आईसी के अंदर तकरीबन 10 ट्रांजिस्टर आप अगर लगाओ 10 ट्रांजिस्टर की जो कैपेसिटी थी वो एक आईसी के अंदर आ जाती थी। अब ट्रांजिस्टर से भी आईसी जो थी इनका साइज जो है तो स्मॉल हो गया, मीन ये जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे इनका साइज ट्रांजिस्टर वाले जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उनकी नस्बत और ज्यादा इनका साइज स्मॉल हो गया, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, और ये जो इसमें उस टाइम सिलिकॉन मटेरियल के बने हुए थे ये जो आईसी होते थे ये सिलिकॉन मटेरियल के बने हुए, और ये लेस एक्सपेंसिव हो गए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की नस्बत, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, एक्यूरेसी इनकी अच्छी होगी, मीन डिजिटल कंप्यूटर थे ये,
और ये अच्छे मतलब ये डिजिटल काम करते थे और एक्यूरेट काम करते थे। और उसके अलावा इनकी प्राइस में भी कमी आई, प्राइस भी इनकी कम हो गई, और जहाँ पे तकरीबन हजारों लोग काम करते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वहां पे इस कंप्यूटर के ऊपर 5-6 बंदे दरकार होते थे काम करने के लिए। तो ये आपका आईसी आ गया। इसमें आईबीएम या पीसी जो है कंप्यूटर, एक पीसी कंप्यूटर आ जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, वो उस टाइम का पर्सनल कंप्यूटर है, आजकल ये कंप्यूटर नहीं है और नहीं यूज हो रहे। आजकल तो जो पीसी है ये और है। ये जो है तो वापस आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है और ये वाले उस टाइम कंप्यूटर यूज होते थे, इस तरह के वो कंप्यूटर थे उस टाइम। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1970 से लेकर 1980 तक यूज हो रहे हैं, वो आज भी यही कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। तो इनके लिए इन कंप्यूटर में जो आईसी है, आईसी को रिप्लेस करके LSI मीन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होने लगी। और ये जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, इसको आजकल हम माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, मीन इसको प्रोसेसर कहते हैं। तो इन कंप्यूटर में प्रोसेसर यूज होने लग गया, जैसे कि आपके घर के जो कंप्यूटर है इनमें प्रोसेसर यूज होता है। अब प्रोसेसर में मॉडल चेंज हो रहे हैं, आजकल जो लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल है वो Core i3 है, Core i5 है, Core i7 है। तो इसी तरह इसमें जो प्रोसेसर यूज होते थे, प्रोसेसर पहले P1 P2 P3 जो कंप्यूटर थे उनमें भी प्रोसेसर ही यूज होते थे। तो ये वाले कंप्यूटर 1970 से लेकर 1980 में आज भी यही कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे, फोर्थ जनरेशन के बाद कंप्यूटर में हार्डवेयर में चेंजिंग आनी बंद हो गई थी, मीन प्रोसेसर में चेंजिंग आनी, प्रोसेसर प्रोसेसर ही था, इसकी जगह और कोई चीज नहीं हुई थी। लेकिन प्रोसेसर में जो थे इनमें प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ा दिया गया, इसके बाद जो कंप्यूटर जितने भी हैं, लेकिन रहा प्रोसेसर ही। और इसके बाद जो ये कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में तकरीबन कंप्यूटर कंप्लीट हो चुके थे, इसके बाद जितने भी जनरेशन आई है उनमें हार्डवेयर के बजाय इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना डेवलप कर दी थी और सॉफ्टवेयर को तरजीह दी थी हार्डवेयर की नस्बत। तो ये जो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर थे इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इनमें आप डेटे को बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते थे और इसमें एक वक्त में एक बंदा बैठ के काम कर सकता। आगे जो कंप्यूटर में हम इसकी और टाइप्स पढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर आ गए या मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनमें बहुत ज्यादा लोग बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन हम पर्सनल कंप्यूटर पीसी की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर में सिर्फ एक बंदा एक टाइम बैठ के काम कर सकते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको छोड़ के वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होते हैं। लेकिन जो पीसी होते थे इनमें, पीसी जब आप घर में बैठ के यूज कर रहे होते हैं तो इनमें मीन आप एक बंदा बैठ के इजीली काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं पड़ती, साइज बहुत कम हो गया, आप एक रूम में एडजस्ट कर सकते हैं इस कंप्यूटर को। तो ये जो कंप्यूटर थे इसमें भी आईबीएम और पीसी वगैरह आ गए, और ये कंप्यूटर जो है बस ये वाले प्रोसेसर इनमें लग गया, और ये वाले कंप्यूटर बस पर्सनल कंप्यूटर आ गए। अब इन्हीं में लैपटॉप आ जाते हैं आजकल, वो भी समझो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ओके, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर A1 कंप्यूटर थे ये, बिल्कुल मतलब A1 थे, इनमें किसी किस्म कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं था, हार्डवेयर वही रहे। और इसके बाद इनमें थोड़ी सी चेंजिंग आई, जैसे कि रैम बढ़ा दी, प्रोसेसर का स्पीड बढ़ा दी, लेकिन प्रोसेसर में चेंजिंग नहीं आई, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा दी, डुअल कोर लगा दिए, और इसके अलावा i3 लगा दिए, 4 5 सॉरी 4 नहीं, i5 आ गया, i7 आ गया। तो ये सिर्फ प्रोसेसर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, प्रोसेसर में थोड़ी चेंज नहीं आई। ओके, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे, तो इस टाइम के कंप्यूटर मीन ये कंप्लीट हो गए थे, ये A1 कंप्यूटर थे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मीन फोर्थ जनरेशन के बाद कंप्यूटर जो है वो A1 कंप्यूटर थे। इनमें हार्डवेयर के अब जो लोग कंप्यूटर बनाते थे या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो उन्होंने सोचा कि यार अब कंप्यूटर हार्डवेयर की बजाय हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने स्टार्ट कर लें, क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए थे, और वो सॉफ्टवेयर उसके बाद बनने शुरू हो गए। सॉफ्टवेयर के अलावा इस कंप्यूटर में, इसके बाद जो कंप्यूटर थे इनमें रिमोट सिस्टम जो थे वो इस्तेमाल होने शुरू हो गए, मीन इन रिपोर्ट को कहते हैं इंटेलिजेंट रिपोर्ट होते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूज होने स्टार्ट हो गए थे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में।
ये थे रिबोट, इंटेलिजेंस रिबोट होते थे। ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो कि बहुत कम लोगों ने देखे होंगे या फिर अपने इंग्लिश मूवीज वगैरह में देखे होंगे। रिबोट पे इंग्लिश मूवीज बनी हुई है काफी सारी। और फिर जो सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे तो वो आजकल जो नॉर्मल आपके पास मोबाइल हैं ये वाले सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो ये सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी जो है ये जो है तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम इन कंप्यूटर को कहा जाता है। और ये आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा है सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्मॉल पीसी आ गए, बहुत छोटे पीसी आ गए और ये सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इसके बाद और भी जनरेशन आ रही है कंप्यूटर, और भी चेंज हो रहे हैं। और आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल है तो मोबाइल भी कंप्यूटर है। देखें फर्स्ट हमने जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा तो हिस्ट्री में आप देखें तो एक जो फर्स्ट कंप्यूटर था तो वो कैसा था, जो कि अबाकस जिसको कहते थे। और आज के दौर में आप अगर कंप्यूटर को देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा साइंस ने तरक्की की, कितने ज्यादा कंप्यूटर में चेंजिंग आई। तो आजकल बंदा हर हर एक के पास है, जेब में लेके कंप्यूटर घूम रहा है और तकरीबन कंप्यूटर की हर चीज है। और आज इसके बाद के जो दौर हो रहे हैं, इसके बाद अब ज्यादातर एंड्रॉयड सिस्टम चल रहे हैं और कंप्यूटर में अब सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आजकल की जो विंडो आ रही है, जैसे कि विंडो 8 आई है, विंडो 8.1 और विंडो 10 जो आई है, तो इनमें अगर आप देखें तो एंड्रॉयड सारा सिस्टम एंड्रॉयड है इन विंडो में, कि आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं वहीं से डेटा जो है, तो कोई भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आने वाले दौर में सॉफ्टवेयर भी खत्म हो जाएंगे और ये सारा का सारा क्लाउड सिस्टम आ जाएगा। मीन आप डायरेक्ट जो है तो अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है, आपने जस्ट क्लिक करना है तो वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में। तो जो आगे आने वाला दौर है उसमें सारा क्लाउड सिस्टम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा और आपने देखा भी कि कैसी जनरेशन चेंज होती रही। आपको पिक्चर के थ्रू मैंने बताया, आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है और ये कैसे चेंज होती रही है, इनमें किस चीज़ में चेंजिंग आती रही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर चेंज होते हैं प्रोसेसर के साथ, क्योंकि प्रोसेसर जो होता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, मीन कंप्यूटर का दिमाग होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में चेंजिंग आती रही और प्रोसेसर के साथ साथ जो है तो और भी चीज़ों में चेंजिंग आ जाती है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो प्रोसेसर होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर को फास्ट और इंटेलिजेंट करता है वो प्रोसेसर होता है, जो उसको इंटेलिजेंट करता है। तो शुरू में वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब के बाद जी उसके बाद ट्रांजिस्टर आए, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आए, उसके बाद फिर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर रिमोट कंप्यूटर हुए, और उसके बाद आजकल जो एंड्रॉयड सिस्टम आपके पास आ रही है कंप्यूटर में, स्मॉल जो पीसी आ रहे हैं तो या मोबाइल जो आ रहे हैं, तो ये आपके पास सिक्स जनरेशन कंप्यूटर आ गए। और ये 90 से लेकर आज तक के यूज हो रहे हैं, 2015 में भी ये कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।